जय श्री महाकाल। आदेश तो आज है चंद्र ग्रहण, तो ये 5 मई बुध पूर्णिमा पर ये चंद्र ग्रहण होगा और रात्रि 8:45 से प्रारंभ होगा और ये रात्रि 12 बजे तक रहेगा। हालांकि ये है कि ज्योतिष गणना के अनुसार समय इधर उधर थोड़ा बहुत हो सकता है, 10 से 15 मिनट का या आधा घंटा का, लेकिन सूतक काल रात्रि 8 बजे से आरंभ होगा और रात्रि 12:01 के आसपास रहेगा। अब ग्रहण काल में आप जो भी साधना करना चाहते हैं तो मूल साधनाएं ये होती हैं कि जो भी आपने साधना कर रखी है तो उन सभी मंत्रों को आप जागृत कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं मंत्र का जगाना। तो जो भी आपने साधना कर रखी है, इत्र योनि की साधनाएं या देव योनि की साधनाएं या जो भी आपने साधना कर रखी हो, तो उन सभी के मंत्रों को आप इस दिन या उस समय काल में जागृत कर सकते हैं। उन मंत्रों का जाप करिए और जाप करने के बाद उन मंत्रों का जो हवन है वो पूर्ण कर लीजिए। इससे मंत्रों में तीक्ष्णता आ जाती है और मंत्र जो है एक अलग तरीके से प्रयोग करने में तत्कालीन प्रभावी हो जाते हैं। जैसे मंत्र जो है जब आप प्रयोग करते हैं तो उतने प्रभाव नहीं दिखा पा रहे हैं, तो जब आप इस तरीके से मंत्र जागृत कर लेते हैं तो पूर्ण प्रभावी हो जाते हैं वो मंत्र। दूसरी बात, अगर आप कोई साधना करना चाहते हैं तो काफी साधनाएं दी गई हैं, जैसे कालका अघोरी उमासान की जो साधनाएं दे रखी हैं वीडियो के माध्यम से, उन मंत्रों को भी आप जो है लेकर वो साधना कर सकते हैं 1-1.5 घंटे के आसपास। अज्ञा बेताल की साधना दे रखी है, उसको भी आप जागृत कर सकते हैं और उस साधना को कर सकते हैं। तीसरी बात, जैसे ग्रहों के दुष्प्रभाव है, नकारात्मक ऊर्जा है अगर आपके ऊपर, तो उससे बचने के लिए ग्रहण काल में आपको एक पानी वाला नारियल ले लेना है। तो पानी वाला जो नारियल है उसको लेकर अपने ऊपर वालें अर्थात उसारें, और उसारने के बाद उस नारियल को सुबह दूसरे दिन जल प्रवाहित कर दें। तो इससे क्या है कि शरीर के ऊपर जैसे कोई नकारात्मक ऊर्जा है, कोई भी ऐसी प्रक्रिया है या ग्रहों का दुष्प्रभाव है, तो वो दूर हो जाता है। तो ग्रहण काल में वैसे ये प्रक्रिया कोई ऐसी नहीं है कि कोई गुप्त हो या आश्चर्यचकित करने वाली हो, लेकिन प्रभाव अलग तरीके से आते हैं, क्योंकि सही समय हो, सही तिथि हो, सही प्रक्रिया हो, तो उसके प्रभाव अलग तरीके से दिखते हैं। तो ये आप कर सकते हैं। और आज शुक्रवार भी है, माता लक्ष्मी का दिन भी है, तो इसलिए आप माता लक्ष्मी की आराधना करिए, चाहे आसुरी लक्ष्मी माँ स्वरूप की करिए, चाहे माता लक्ष्मी स्वरूप की करिए। अगर आप माता लक्ष्मी स्वरूप की साधना कर रहे हैं तो पहले एक माला गणपति, एक माला गुरु मंत्र, एक माला भैरव मंत्र, और फिर इसके बाद एक माला ओम नमो भगवते वासुदेवाय, बाकी फिर सभी मालाएं लगभग 21-31 जितनी आपकी क्षमता है उस अनुसार आप जाप कर सकते हैं, और बाद में एक माला ओम कुबेराय नमः, ओम कुबेराय नमः इसकी कर लीजिए और प्रणाम करिए। तो क्या है, धन के मार्ग खुलेंगे, ये पूरे वर्ष के लिए एक तरीके से रिचार्ज हो गया। तो मंत्र है माता लक्ष्मी का, ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्म्ये नमो नमः। तो इस मंत्र का आप जाप कमलगट्टे की माला पर कर सकते हैं और तुलसी की माला पर भी कर सकते हैं, तो इससे विशेष लाभ होगा, धन के मार्ग खुलेंगे और आपका जो धन का अभाव है वो दूर हो जाएगा। दूसरा मंत्र है, ये मंत्र बड़ा है माता लक्ष्मी का, एक दूसरा मंत्र है छोटा सा है, ओम श्रीम ह्रीम क्लीम एंग ओम स्वाहा, ओम श्रीम ह्रीम क्लीम एंग ओम स्वाहा, इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। और जैसे वो मंत्र बड़ा है तो इस छोटे मंत्र को भी कर सकते हैं। बड़ा मंत्र ये है, ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्म्ये नमो नमः, इस मंत्र को भी कर सकते हैं। दोनों मंत्र हैं, एक बृहद है एक छोटा मंत्र है, तो जिसका भी आप जाप करना चाहें, जिस मंत्र का उस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं, निश्चित रूप से आपके धन के मार्ग बनेंगे। और वैसे तो ये बताया कि जैसे आपने कोई इत्र योनि की साधना कर रखी है तो उसके मंत्र जागृत कर सकते हैं, कोई आपने साधना कर रखी है उसके मंत्र जागृत कर सकते हैं, या नवीन साधना भी आप कर सकते हैं। तो आज शुक्रवार है, आज माता लक्ष्मी की आराधना करिए, ग्रहण काल में निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा और इससे आपके धन के मार्ग खुलेंगे और रुके हुए कार्य बनना शुरू हो जाएंगे जो धन से संबंधित है।
तो आज आप ये साधना कर सकते हैं। और माता आसुरी लक्ष्मी माँ की जो साधना है, तो पहले एक माला गणपति, एक माला गुरु मंत्र, एक माला भैरव मंत्र, इसके बाद ओम ह्रीम आसुरी लक्ष्मी ह्रीम नमः, या जिनका तीक्ष्ण तत्व है वो ओम भ्रीम ह्रीम आसुरी लक्ष्मी ह्रीम ह्रीम फट, इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। लास्ट में एक माला ओम द्रम द्रीम द्रोम सा शुक्राय नमः की करिए, तो माता लक्ष्मी का जो मंत्र है उस मंत्र को आप कर सकते हैं इस ग्रहण काल में, या माता आसुरी लक्ष्मी माँ की साधना कर सकते हैं इस ग्रहण काल में। और ये रात्रि 8:45 से आरंभ होगा और रात्रि 12 बजे तक रहेगा, तो 2-3 घंटे में आराम से आप किसी भी साधना को कर सकते हैं और मंत्र जाप कर सकते हैं। एक विशेष सूचना है कि व्हाट्सएप के माध्यम से जब आप शक्तियों से संबंधित या पारलौकिक विषय पर आप पूछते हैं, तो उसको वैसे ना पूछ के आपके लिए एक ऑप्शन रखा गया है कॉलमी फोर का। शाम को 5 से 7 के मध्य आप कॉलमी फोर से अपनी पारलौकिक समस्या के विषय में जानकारी ले सकते हैं। इसके लिए ना आपको स्कैनिंग करवानी है ना कुछ कराना है, 2-400 रुपए में आप अपनी सभी समस्याओं को जान सकते हैं, उन समस्याओं के लिए उपाय भी पूछ सकते हैं। तो कॉलमी फोर का इसीलिए रखा गया है कि 5 से 7 के मध्य आप कॉलमी फोर से जानकारी ले सकते हैं। ऐसे अगर आप मैसेज करेंगे तो इसके लिए क्या है कि जब आप मैसेज करते हैं नहीं है फ्री, लेकिन जो समय रखा गया है कॉलिंग फोर के लिए वो अलग ही है, 5 बजे से 7 बजे के बीच। जो आपको पारलौकिक समस्या है या उस समस्या के बारे में आप जानना चाहते हैं, तो 5 से 7 के बीच कॉलिंग फोर ऐप के माध्यम से आप कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। और अगर कोई साधारण बात है किसी मंत्र को कैसे करें, ये जो साधना आपने दी थी तो इस साधना में कौन कौन सी सामग्री लगेगी, या कोई भौतिक प्रश्न है, तो आप ये जो नंबर स्क्रीन पर दिया जा रहा है इस नंबर पर आप कॉल और व्हाट्सएप द्वारा जानकारी ले सकते हैं। लेकिन अगर पारलौकिक विषय के बारे में आप जानकारी चाहते हैं तो आप कॉलमी फोर ऐप के माध्यम से कॉल करिए। तो बस आज के वीडियो को विराम देते हैं। आदेश, जय श्री महाकाल।